हाई एवरी वन दिसने का आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा है वॉलरेबलिटी ऑफ इंटरनेट को लेकर हम लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं अब ये इंटरनेट कितना वॉलरेबल है इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ टर्म्स हैं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग एच कंप्यूटिंग उनके बारे में जानेंगे और तो, ये भी बात करेंगे कि ये आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप आपसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे मिले ओके okay, अभी रिसेंटली क्या हुआ एक फर्म है फास्टली करके बहुत ज्यादा फेमस नहीं है वहाँ पे एक इंटरनेट आउटेज हुआ कुछ कॉन्फ़िगरेशन में उसकी प्रॉब्लम आ गई और उसकी वजह से बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं बड़े बड़े उन उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे जब भी हम वो वेबसाइट खोल रहे थे जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की हो गई गार्डियन की हो गई तो कुछ एरर दिखा रहा था 503 कि हम ये वेबसाइट नहीं खोल सकते अब एक कंपनी में ग्लिच आने की वजह से बाकी सारे बिजनेसेस को बहुत फर्क पड़ा इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स नॉकआउट हो गई टॉप इंटरनेट डेस्टिनेशन ऑफलाइन हो गई उनको यूज़ नहीं कर पा रहे थे बिजनेस पर फर्क पड़ने लग गया और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे जबकि कुछ एक घंटे की ये प्रॉब्लम रही एक घंटे में रिजॉल्व कर दी गई लेकिन इससे सवाल ये आता है सामने कि इंटरनेट हमारे लिए कितना जरूरी है अगर कुछ साल पहले आपसे सवाल पूछा जाता कि लाइफ जीने के लिए जीवन जीने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है तो आप बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान लेकिन आज अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट क्योंकि इंटरनेट के बिना हमारी लाइफ रुक जाती है अब जैसे मैं जम्मू में रहती हूँ एक साल तक हमारे यहाँ इंटरनेट बंद रहा मेरे करियर में सिक्स टू सेवन मंथ्स का ब्रेक आ गया क्योंकि कोविड पीरियड भी चल रहा था हम किसी और सिटी में जाके काम भी नहीं कर सकते थे घर पे भी रहना था और इंटरनेट भी नहीं था तो काम कैसे होगा तो देखिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया अगर आप आज ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं या इंटरनेट नहीं होगा तो आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे तो इंटरनेट हैज़ बिकम हमारे इंपॉर्टेंट का लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है अब जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ इस कंपनी का नाम है फास्टली जहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन एरर उनकी टेक्नोलॉजी में आ गया था अब यहाँ पे दो टर्म्स में आपको जल्दी से बताऊंगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग क्या होती है बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे आप अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप पे डेटा स्टोर करते हैं लेकिन उसका कुछ लिमिट है वन ट्वेंटी है आपका फोन सिक्सटी है उतना ही आप स्टोर कर पाएंगे उसके बाद या तो लैपटॉप में शिफ्ट करेंगे या तो आप हार्ड ड्राइव लेंगे ज़्यादा से ज्यादा वन की होगी अब उन कंपनीज के बारे में सोचिए जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास इतना डेटा है वीडियोज हैं इमेजेस हैं लॉड ऑफ डेटा राइट वो उसको कहाँ स्टोर करते होंगे इसलिए कुछ कंपनीज आती हैं फास्टली जैसी जो कि आपको सर्वर प्रोवाइड करती हैं क्लाउड प्रोवाइड करती हैं कि ठीक है आप अपना डेटा यहाँ पे रखिए इनको ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनको हायर करती हैं अब देखिए खुद का क्लाउड भी वो खोल सकती हैं लेकिन उसके लिए उनको एक अलग डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा उसको भी चलाना होगा तो वो सोचते हैं कि हम ये सर्विस कहीं से हायर कर दें इतने पैसे जब वहाँ पे इम्प्लाइज को हमने देने हैं खुद का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट शुरू करना है इट्स बेटर कि हम इन सर्विसेज को हायर कर दें तो ये सर्विसेज फास्टली जैसी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि ज्यादा स्पीड से यूजर के पास डेटा पहुँच सके तो यहाँ पे समझिए एक क्लाउड है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है यहाँ पे यूजर है ओके okay? तो यूजर डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे और फोन पे ना कुछ सेव करके डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकता है जैसे कि आप ब्राउजर खोलते हैं किसी भी न्यूयॉर्क टाइम्स का किसी न्यूज़पेपर का तो आप डायरेक्टली वहां से उनका डेटा यूज कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तो ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अब फास्टली में प्रॉब्लम आ गई तो जो भी इसके क्लाइंट्स हैं उनका बिजनेस रुक गया उनकी वेबसाइट्स नहीं खुल रही थी फास्टली का ट्रैफिक सेवेंटी फाइव परसेंट ड्रॉप हो गया देखिए मेरी एक वीडियो है आप एच कंप्यूटिंग स्टडी आईक्यू टाइप करेंगे तो आपको पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग एज कंप्यूटिंग के बारे में मैंने वहाँ पे बताया है तो उससे आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे ऑल तो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे हमारा क्लाउड रहता है यहाँ पे यूजर रहता है और यहाँ पे बीच में हमारा एज कॉम्प्यूटिंग आता है एज कॉम्प्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा है लेकिन उसका एक बेटर वर्जन है राइट तो अब इस इंसिडेंट में क्या हुआ फास्टली का ट्रैफिक एक घंटे में 75 परसेंट नीचे गिर गया और अब यहाँ पे सवाल आता है कि ग्लोबल इंटरनेट को कितना खतरा है कल को कोई सीरियस डिस्ट्रप्शन हो जाती है तो क्या होगा अब फास्टली क्या है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फास्टली एक कंपनी है एज कंप्यूटिंग सर्वर है एज सर्वर है डेटा स्टोर करता है बहुत सारे बिजनेसिस का कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स शॉपिफाई गार्डियन टिकट मास्टर पिन इंटरेस्ट सब इसके क्लाइंट्स हैं इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसकी क्लाइंट है अब गवर्नमेंट्स का भी तो बहुत सारा डेटा होता है वो भी इसी तरह के किसी सर्वर पर स्टोर करते हैं तो यहाँ पर ख़तरा ये आता है कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई ये डेटा डिलीट हो गया तो क्या होगा क्योंकि हम इंटरनेट पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अभी हम कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क की बात कर रहे हैं एक अरेंजमेंट है कि किस तरह से यूज़र कस्टमर के पास डेटा पहुँच रहा है और फास्टली जैसी जो, जो ये फास्टली जो कंपनी है ट्वेंटी सिक्स कंट्रीज़ को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है डेटा को यूजर के पास लेके जाती है और ताकि वो वो फास्ट बहुत तेजी से डेटा जो है एक्सेस कर पाए अब जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर सफर करते हैं बिजनेस को लॉस होता है फास्टली का लास्ट ईयर का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे टू नाइनटी पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर्स जो है वो रहा है इसका रेवेन्यू और अब बात आती है क्या क्या इसके पास कुछ बैकअप है यूजुअली बैकअप्स रहते हैं लेकिन अगर ये अभी तो एक घंटे के लिए सर्विस डिसरप्ट हुई लेकिन ये सर्विस अगर पाँच से सात दिन के लिए डिसरप्ट हो जाए तो बिजनेस को बहुत लॉस होगा अब जैसे किसी का कोई बिज़नेस है वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं सर्विसेज़ बेच रहे हैं डेली की उनकी इतनी सेल हो रही है ग्लोबल लेवल पे लेकिन अचानक से ये बंद हो जाता है पांच छह दिन के लिए तो हो सकता है पूरी की पूरी कंपनी बैंक हो सकती है बिजनेस ठप पड़ सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है और फास्टली इकलोती दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि क्लाउड फ्लेयर है अकम आई है अब बड़े बड़े जो कंपनीज हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट उनकी बात नहीं कर रहे वो तो बहुत बड़े लेवल पर प्रो, क्लाउड प्रोवाइड करती हैं लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो इसलिए यहाँ ये इतना सिंपल नहीं है बिजनेसेस पूरी तरह से बंद हो सकते हैं बहुत ज्यादा लॉसेज हो सकते हैं अगर फ्यूचर में इस तरह के आउटेज लंबे समय तक के लिए आए और इनका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या हमारे पास कि हम एक कॉम्पिटिटर से दूसरे कॉम्पिटिटर पर शिफ्ट कर जाए वो भी मुश्किल है इतना स्मूथ स्विच ओवर इतना इजी नहीं है इट टेक्स टाइम अब फास्टली जैसे कंपनी बहुत जल्दी रिकवर कर गई अब यहाँ से सवाल हमारे पास ये आता है कि अभी तो ये एक टेक्निकल ग्लिच था कल को कोई साइबर अटैक भी हो सकता है जो डेटा है लोगों का साइबर थ्रेफ थेफ्ट जो होता है थेफ्ट भी हो सकता है तो सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए ओके okay, तो गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करेगी किस तरीके से कि जो भी कंपनीज़ हैं उनका कोई मिनिमम स्टैंडर्ड रहे कि आपके पास ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी है किस तरह से आप थेफ्ट साइबर थेफ्ट को साइबर क्राइम को रोक सकते हैं तो इसलिए अब ये सवाल आ रहा है क्योंकि इन कंपनीज के साथ कस्टमर्स का वेब बड़ी बड़ी कंपनीज का गवर्नमेंट का डेटा स्टोर्ड है ओके okay, तो यहां पे यही क्वेश्चन है साइबर अटैक साइबर थेफ्ट और इनफैक्ट कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है कि जहां पे किसी जगह पे फिजिकल कोई जगह जहां पे बहुत ज्यादा डेटा स्टोर है जहां से प्रोसेस चल रहा है वही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है तो किस तरह से हम बैकअप ले सकते हैं क्योंकि बहुत मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स और क्लाइंट्स जो इस पर डिपेंड करते हैं तभी यहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात आ रही है कि लोग इससे कैसे बच सकते हैं ओके okay, तो अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए अगर इसको रेगुलेट करना है तो किस तरीके रेगुलेट कर सकते हैं एक चीज है, है। है, तो, हमको लगता है, okay, इंटरनेट है तो सब हो गई करेंगे लेकिन अगर कल को इंटरनेट नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे कोई कंपनी है वो उसका पूरा का पूरा बिजनेस ई मेल चल रहा है क्योंकि हम लैपटॉप पर थोड़ा ही सेव करेंगे सब कुछ ऑनलाइन क्लाउड से चल रहा है तो अगर वो ई ही एक्सेस नहीं कर पा रहा तो क्या होगा उसकी पूरी कंपनी ठप हो सकती है दो हफ्ते का आउटेज आ गया ओके okay, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है और बाकी देखिए आप जैसे म्यूजिक यूज करते हैं गेम्स ऑनलाइन खेलते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यहाँ पे अगर बड़े बिजनेसेस का देखें तो उनका पूरा पूरा बिजनेस ही इस तरीके से चलता है राइट right? तो यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए विद रेफरेंस टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीन इन द न्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट One, IoT generally refers to scenarios where network connectivity and computing capability extends to objects, sensors, and everyday items. IoT devices and services can serve as potential entry points for cyber attack and exposure user data to theft.

इसका फ्यूचर एस्पेक्ट हमने देखा टेक्नोलॉजी का कि फ्यूचर में अगर बड़े लेवल पे कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो क्या होगा और फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या ये चीज़ रेगुलेट हो सकती है करनी चाहिए अगर करनी चाहिए तो किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं तो इसका कमेंट्स आप आंसर भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी यहाँ पे सवाल इस पर मैंने आपको दिया है तो ये था डिस्कशन कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन स्टडी आई क्यू की डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच